Good morning, student. Hope you all are fit and fine and you all are studying and doing your work, whatever I am giving you, you all are doing in your notebook. Because you are having ample time, aapke paas bahut waqt hai, to aap wo waqt ko utilize karo, padh ke utilize karo. You should not waste your time, okay, just wandering here and there. और जो भी आपको पढ़ाई जा रही है उसे आप ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. सो स्टूडेंट, इन माई लास्ट वीडियो आई टॉट यू आर्टिकल्स, ओके, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 4 आई टॉट यू, विच वॉज आर्टिकल. आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था एंड या आई हैव एक्सप्लेन्ड यू आर्टिकल. उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल समझाया था अच्छे से. देन नेक्स्ट वाली वीडियो में जो मैंने आपको आई थिंक कल मिली होगी, तो उसमें मैंने आपको ये एक्सरसाइज आर्टिकल की करके दिखाई थी और पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस दिया था मैंने जो आपको खुद से करना था, विच वॉज रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज व्हाट आई सॉल्व्ड यस्टरडे इन माई लास्ट वीडियो. ओके, सो आई थिंक यू ऑल हैव डन इन योर नोटबुक. आप सबसे बन गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की होगी आप लोगों ने, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. एंड सो स्टूडेंट, टुडे व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व अनदर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ओनली. आर्टिकल की हम दूसरी एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे. लेट्स सी विच एक्सरसाइज. आज हम आर्टिकल की ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है. सो दैट जब मैं आपको समझा दूंगी, तो जब मैं उसे पीडीएफ में दूंगी, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस इन योर पीडीएफ and you need to do by yourself so that you could be able to solve. इसलिए मैं आपको क्या करूंगी, इससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ ये कैसे करना है, ठीक है. So let's start. Insert articles or make corrections wherever necessary and rewrite the sentences. So student, what you have to do, you need to insert articles. यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना, इसमें आर्टिकल्स मिसिंग है, ठीक है, आर्टिकल्स नहीं यूज है. आर्टिकल्स क्या है, ए, एन एंड द, ये तीन यहाँ यूज नहीं है, मिसिंग है. वॉट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक करेक्शंस, ठीक है. जहां पे आर्टिकल्स इंसर्ट करना है हम इंसर्ट करेंगे, जहां पे मुझे लगता है कि नहीं इंसर्ट होगा वहां नहीं करेंगे. तो जो भी नेसेसरी चेंजेस है, जो भी करेक्शन रिक्वायर्ड है, वो हमें करना है और सेंटेंस को फिर से लिखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट, वी विल सी द फर्स्ट वन. ए, आई वॉन्ट एप्पल फ्रॉम बास्केट. सो स्टूडेंट, एप्पल, एप्पल से पहले हम क्या यूज करते हैं, ए इज अ वोवेल, एन, यस. तो आई वॉन्ट एन एप्पल फ्रॉम बास्केट, फ्रॉम द बास्केट, यस. सो वी विल राइट इट हियर, आई वॉन्ट एन एप्पल फ्रॉम द बास्केट. ओके, नेक्स्ट, इंक इन माई पेन इज रेड. क्या आपको लग रहा है इसमें कुछ इंसर्ट होना चाहिए, कौन सा वोवेल, सॉरी कौन सी आर्टिकल इंसर्ट होनी चाहिए कहां पे, द इंक, सिर्फ इंक नहीं होता है, द इंक इन माई पेन इज रेड, द इंक इन माई पेन इज रेड. Understood? Next, our neighbors have cat and dog. Cat और dog के पहले क्या लगता है, a, yes. We will insert article a, a. Our neighbors have a cat and a dog. Okay, next. The teacher scolded boys for talking in class. What will be here, student? Think. You should try. The teacher scolded the boys for talking in the class. The teacher scolded the boys. Boys se pehle da lagega. For टॉकिंग इन क्लास से पहले दा लगेगा. यहां पे क्यों लगा है दा बच्चों,
बताओ आप, क्योंकि यहाँ ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन, ग्रुप, ठीक है। और बॉयज, पूरे बॉयज को डोनेट किया जा रहा है, तो द बॉयज फॉर टॉकिंग इन द क्लास। आई हैव बॉट अपार्टमेंट इन सिटी, अपार्टमेंट, अगेन अपार्टमेंट इज अ वॉवल, सो वॉट वी विल राइट हियर, आई हैव बॉट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। इन द सिटी। सो स्टूडेंट आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, आपको अच्छे से समझ में आ गई अब कैसे करना है। तो मैं जो पीडीएफ आप लोगों को दूंगी वो इसी से बेस्ड होगा, ठीक है। ये जो आप टाइटल देख रहे हो यही टाइटल से रिलेटेड होगी, बस जो क्वेश्चन है यहाँ जैसे ABCDE, ये सेम क्वेश्चन नहीं होगी, अलग होगी, दैट यू हैव टू नीड टू डू बाय योर सेल्फ। ओके, थैंक यू।